এদিনৰ প্ৰথমটো মেট্ৰো ৰেলপথ মুকলি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব কলকাতা মেট্ৰোৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ হাওৰা ময়দান এক্সপ্লান্টে সেকচন এইটোৱেই হ'ব এদিনৰ প্ৰথমটো পানীৰ তলৰ মেট্ৰো সেৱা ভূপৃষ্ঠৰ 30 মিটাৰ তলৰে 4.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে पश्चिम बंगाल जिसे भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर उनके संकल्प पर उनकी गारंटी पर पश्चिम बंगाल का तेज विकास हो यहाँ के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित हो विकसित बंगाल से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो इसी लक्ष्य के साथ मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी के विस्तार पर किया है अभूतपूर्व निवेश पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है पूर्व में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज रेलवेज एयरवेज और वोटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज दी जा रही है मेट्रो से जुड़ी 15,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात कोलकाता मेट्रो की परियोजनाओं में शामिल हैं हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो सेक्शन कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेक्शन और तारातला माझेरहाट मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन साथ ही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कोलकाता मेट्रो के इन नवनिर्मित सेक्शनों पर मेट्रो सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन पर हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर रिवर टनल में मेट्रो का हो रहा है शुभारंभ इन मेट्रो सेवाओं के संचालन से हावड़ा और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी होगी सुगम कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन एवं हेमंत मुखोपाध्याय स्टेशन के बीच मेट्रो सेवाएं शुरू होने से महानगर की व्यस्त ट्रैफिक में आएगी कमी वहीं पश्चिम कोलकाता एवं उपनगरीय क्षेत्रों में सब अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मिलेगी मजबूती पश्चिम बंगाल के सर्वांगीण विकास के ऐसे मजबूत इरादे से ही तो बनी है मोदी सरकार की गारंटी आधुनिक शहरी परिवहन के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण में देशवासियों की यात्रा को तेज सुरक्षित और आरामदायक बनाया है वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का परिचालन 5 शहरों में किया जा रहा था वहीं आज देश के 20 शहरों में 900 किलोमीटर से अधिक मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि 27 शहरों में लगभग 958 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का कार्य समाप्त होने को है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में भूमि पूजन के साथ पुणे मेट्रो की आधारशिला रखी गई। पुणे मेट्रो 33 किलोमीटर लंबी परियोजना है आज रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक 6 किलोमीटर का सेक्शन संचालन के लिए तैयार है और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है साथ ही पीसीएमसी से निगड़ी तक के एक्सटेंशन का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है कोची देश की पहली मेट्रो प्रणाली है जो रेल सड़क और जल परिवहन सुविधाओं को जोड़ता है कोची मेट्रो के फेज वन की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर से ज्यादा है आज कोची शहर के परिवहन की एक महत्वपूर्ण कड़ी त्रिपुनेथुरा मेट्रो टर्मिनल का उद्घाटन हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है अब आगरा में ताज ईस्ट गेट से मन कामेश्वर तक निर्मित 6 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंडरग्राउंड सेक्शन को 2 साल से भी कम समय में शुरू करके नया कीर्तिमान बनाया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आगरा में मेट्रो रेल सेवा का होने जा रहा है शुभारंभ।
नमो भारत ट्रेन के साथ देश में शुरुआत हुई एक नए अध्याय की। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इसी कड़ी में आज दुहाई से मोदीनगर नॉर्थ के बीच का 17 किलोमीटर लंबा दूसरा खंड भी जुड़ने जा रहा है, जिसके साथ साहिबाबाद से मोदीनगर नॉर्थ तक 34 किलोमीटर के खंड पर नमो भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। इस खंड का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आज देश के शहरी परिवहन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य जनता को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना है। विकास की इन सुंदर झलकियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर अनुरोध कि भारतीय रेल के विकास की गति को शक्ति देने हेतु कवि सुभाष, ताराताला, रूबी हाल क्लिनिक, एसएन जंक्शन, दुहाई एवं ताजमहल गेट से 6 नई मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर उनकी प्रथम यात्रा का शुभारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर रवाना। कवि सुभाष से हेमंत मुखोपाध्याय, ताराताला माझेरहाट, रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाणी, एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा, दोहाई से मोदीनगर नॉर्थ, ताज पूर्वी गेट से मन कामेश्वर मंदिर भारत की प्रगति की दिशा में एक अविस्मरणीय कदम और इस क्षण के साक्षी बनते हुए हम सभी। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर निवेदन करता हूं कि वे एस्प्लानेड स्टेशन से पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में बच्चों के साथ यात्रा कर इस ट्रेन की प्रथम जिस तरह से प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री या 5 दिनों भितर आज द्वितीयबार कोलकाता भ्रमण और प्रधानमंत्री पानी तलेर मेट्रो रेलपथ मुकुली करते मुकुली तथा आधारशिला स्थापन कर 15,400 কোটি টকার আন কেবাটাও প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীগুলো আজ বিয়লি শেহতীয়াকৈ বিতর্কর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকা সন্দেশখালীর সমীপরে 1200 এখন জনসভাত অংশগ্রহণ করব। 10 দিন 12 রাজ্য কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল ভ্রমণ কার্যসূচীর ভিতর আছে প্রধানমন্ত্রীগুলির কলকাতা ভ্রমণ কার্যসূচী। ইফালে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাত ভাগ লোলে পড়ারপরা তাত বহু লোকে ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এয়া যখন মেট্রো রেল আজ উদ্বোধন করা হয়েছে সেখানেও কিছু দৃশ্য আমি আমার লগত দেখাইছো পুনপটিয়াকৈ। দেশৰ প্ৰথমটো মেট্ৰ ৰেলপথ মুকলি কৰা হৈছে পানীৰ মাজেৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিছে কলকাতা মেট্ৰ ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰ হাওৰা ময়দান এক্সপ্লানটে ছেকশ্যন। এইটোৱে হ'ব দেশৰ প্ৰথমটো পানীৰ তলৰ মেট্ৰ সেৱা। ভূত পৃষ্ঠৰ 30 মিটাৰ তলেৰে 4.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। পানীৰ তলেৰে যোৱা এই মেট্ৰ ৰেলপথ নিৰ্মাণত ব্যয় কৰা হৈছে 4,965 কোটি টকা আৰু এই মেট্ৰ ৰেলপথে আইটিহাব চল্ট লেক ছেক্টৰ ভি সংযোগী সুচল কৰি তুলিব। हमें ये लगे कि जो है यहाँ पर अंडर द रिवर जा रहे हैं तो टनल में हम लोग जो जा रहे हैं यात्रियों को जो है हम किसी तरह के उसका फीलिंग देने के लिए कोशिश किए हैं। तो हमें आइडिया थी तो उसको जो है हम लोग ने तरह तरह के सोच के जो है उसका पहले जो है वी ब्रॉट इन द लाइट देन और जो है देन वी ब्रॉट इन द पेंटिंग्स व्हिच आर कुछ एंड द आर्टिस्ट एंड ऑल अपने सब लोग जो है हम लोग इतनी कोशिश किए रात रात 12 बजे तक जो है हम लोग यहाँ पर रहकर क्योंकि वी कुड डू दैट ओनली आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ द ट्रेन एंड
रियली वी हैव स्ट्रगल्ड हार्ड एंड होप पीपल एंजॉय दैट। सर अभी जो हम ट्रैवल कर रहे हैं कितना नीचे हम ट्रैवल कर रहे हैं? हम लोग वी आर अबाउट 16 मीटर्स बिलो। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি এনেদৰে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটিছে তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ। দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে বাছত এনেদৰে বাছে বাছে লোক আহিছে মোদীৰ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। এয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কলকাতাৰ কিছু দৃশ্য। আৰু কলকাতাতেই এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ প্ৰথমটো পানীৰ তলৰ মেট্ৰ' ৰেল সেৱা মুকলি কৰিছে। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আজি ভ্ৰমণ কৰিছে কলকাতা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। পানীৰ তলৰ মেট্ৰ' ৰেলপথ মুকলি কৰাৰ লগতে মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 15,400 কোটি টকাৰ আন কেইবাটাও প্ৰকল্প। আৰু এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এয়া কলকাতাৰ মেট্ৰ' ৰেল ষ্টেচনৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোকে হাত জোকাৰি অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এয়া কলকাতাবাসীৰ তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান বা তেওঁৰ প্ৰতি আগ্ৰহ। আৰু এইসকল জনতাক সম্বোধন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আৰু এনেদৰে সকলোৱে তেওঁক চাবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক তাত তেওঁৰ অনুৰাগীৰ আগমন ঘটিছে মেট্ৰ' ষ্টেচনলৈ। কেনেদৰে এই ৰেলখনে কোন কোন দিশে অগ্ৰসৰ হ'ব সেই সকলো তেওঁক এনেদৰে জনাই দিয়া হৈছে বা বুজাই দিয়া হৈছে।